दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनूप ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में जानेंगे कि क्या होता है गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम और गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके हम कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम होता है वो क्या कहता है कि हम किसी सरफेस इंटीग्रेशन को, ध्यान दीजिएगा, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रेशन है एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, इसको हम गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ डी वी, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से। इसको ऐसा लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो एन कैप और डी एस होता है इसकी जो वैल्यू होती है ये कई बार निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर लेते हैं, फिर डाइवर्जेंस एफ निकाल के हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लिए हैं आज की इस वीडियो में कि हम कैसे इसका यूज करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बाई गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से, यानी कि गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमको एफ वेक्टर क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस टू के कैप, हमको एफ की वैल्यू ये दी है। और जो क्यूब है, वो एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू जीरो से वाई इक्वल टू ए और जेड इक्वल टू जीरो से जेड इक्वल टू ए के बीच में ये घिरा हुआ है। जो क्यूब है वो एक्स इक्वल टू जीरो से ए के बीच में, y इज इक्वल टू जीरो से y इक्वल टू ए के बीच में और z इक्वल टू जीरो से z इक्वल टू ए के बीच में घिरा हुआ है। या तो क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, ठीक, या क्या दे सकता है कि सरफेस इंटीग्रेशन f की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ और n कैप ds इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, यदि क्यूब जो है x इक्वल टू जीरो से ए के बीच में, y इक्वल टू जीरो से y इक्वल टू ए के बीच में, z इक्वल टू जीरो से z इक्वल टू ए के बीच में घिरा हुआ है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार या फिर इस प्रकार आ सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से, आइए देखते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, ये निकालना है, सरफेस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। और हम जानते हैं गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से कि इसको हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। एफ की जगह क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस एफ, और डी एस की जगह डी वी, और जो एन कैप होता है ये हट जाता है। ठीक, तो देखिए हम निकाल लेते हैं डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू और यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए जब हम डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं कि जो डाइवर्जेंस होता है इसको हम लिख सकते हैं डेल। ठीक, और डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक, हमको करना क्या है, डाइवर्जेंस एफ निकालना है। ठीक है, डाइवर्जेंस एफ को हम लिख सकते हैं डेल डॉट एफ। ठीक है, जो डाइवर्जेंस एफ होता है इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट एफ। अब डेल की वैल्यू क्या है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इसके डॉट में क्या रखेंगे, एफ को, और एफ की वैल्यू क्या दी है हमको, ये दी है देखिए। तो एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई कैप माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई जे कैप प्लस टू के कैप, हम जो है एफ की वैल्यू रख दिए हैं। हमको करना क्या है, हमको डॉट प्रोडक्ट है, ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के जो होता है वन होता है, बाकी सब जीरो। तो देखिए हम आई के साथ करेंगे तो जब आई डॉट आई वन होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स क्यूब माइनस वाई जेड। ठीक, प्लस जब जे का जे से करेंगे तो जे डॉट जे वन, तो जब डे जे का जे से किए तो जे डॉट जे वन हो गया
और ये तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई, ये हो गया टू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस अब k का k के साथ, तो k डॉट k क्या हो गया वन, और बचा क्या डेल अपॉन डेल जेड टू, ठीक है। तो अब देखिए हम कर देते हैं इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिए, जब इनका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले एक्स क्यूब का, जब एक्स क्यूब का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा ये जगह थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक। अब बचा वाई जेड, अब वाई जेड का जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई जेड तो पूरा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा वन, तो वह जब वन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये तो जाएगा जीरो, तो पूरा हो जाएगा जीरो, माइनस जीरो माइनस। अब देखिए जब हमको निकालना है डेल अपॉन डेल वाई, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इनका टू एक्स स्क्वायर का, तो देखिए जो टू एक्स स्क्वायर है ये तो कॉन्स्टेंट आ गया, बचा क्या वाई, अब वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में तो ये तो वन होगा डॉट वन, तो इसको नहीं लिखते, ठीक है, प्लस अब देखिए टू का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है जेड के रिस्पेक्ट में, तो टू तो बाहर आ गया, ठीक है, टू तो बाहर आ गया, बचा क्या वन, अब वन का पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो पूरा ही जीरो हो गया, क्योंकि टू डॉट जीरो यानी कि टू इंटू जीरो, तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, ये है थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो डाइवर्जेंस एफ आया वो क्या आया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये एक्स स्क्वायर हम यहाँ पुट कर देते हैं डाइवर्जेंस एफ की जगह, ठीक। तो देखिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और देखिए जब हम लिमिट पुट करेंगे x इक्वल टू जीरो से a, y इक्वल टू जीरो से a और z इक्वल टू जीरो से a, जीरो से a, जीरो से a और जीरो से a, ठीक है, लिमिट पुट कर दिए, और dv की जगह क्या आ जाता है dx, dy और dz। अब हमको करना क्या है, हमको इसको सॉल्व करना है और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे पहले इसका जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये तो है जीरो से ए और जीरो से ए। देखिए जब हम जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जीरो से ए, बचा क्या हमारे पास वन बचेगा और डी जेड, ठीक है, और इधर क्या है डी एक्स डी वाई, ठीक है। हम वन को क्या लिख सकते हैं, वन को हम लिख सकते हैं जेड की पावर जीरो, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर जो है अगर जीरो है, अगर किसी भी नंबर का पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है वन, तो इसलिए हम वन को क्या लिख दिए जेड की पावर जीरो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए ये जीरो से ए है, ये भी जीरो से ए है, ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर। अब आप जानते होंगे कि जेड की पावर जीरो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा जेड की पावर वन, मतलब जेड ही होगा, ठीक है, वन नहीं लिखते पावर में और लिमिट है जीरो से ए। अब ये कैसे होगा आप बोलेंगे, जेड कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए हम जानते हैं कि अगर हमको एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन निकालना है तो फार्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो देखिए अगर हमको जेड की पावर जीरो का निकालना है तो यानी कि एन इक्वल टू जीरो रख देंगे, तो जब हो जाएगा जेड की पावर जीरो प्लस वन अपॉन में जीरो प्लस वन, तो जाएगा जेड अपॉन वन पावर में वन, तो मतलब जेड ही होगा इसका इंटीग्रेशन, तो इस प्रकार ये जेड होगा और ये क्या है डी एक्स डी वाई, ठीक है, ये हो गया जीरो से ए, ये भी हो गया जीरो से ए। अब देखिए ये है एक्स स्क्वायर, अब एक बार जेड की जगह ए रखते हैं, माइनस करके जीरो रखते हैं, डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जीरो है तो इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया डी एक्स डी वाई। अब ए जो है हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट है,
जीरो से ए है, ये भी जीरो से ए है, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम वाई के एस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए ये है ए, जीरो से ए, एक्स स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब हमको इंटीग्रेशन निकालना है जीरो से ए के बीच में वन का वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और इधर क्या है डी एक्स है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है कांस्टेंट है तो बचा वन। अब वन का इंटीग्रेशन निकालना है वाई के रिस्पेक्ट में और इसकी लिमिट है जीरो से, और इधर क्या है डी एक्स। तो देखिए ये हमारा है ए, जीरो से ए, अब देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। अब वन को हम क्या लिख सकते हैं वाई की पावर जीरो, जैसे यहाँ पर जेड की पावर जीरो रखे थे तो यहाँ पर वाई की पावर जीरो, और वाई की पावर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई होगा, और इसकी लिमिट क्या है जीरो से ए, और इधर क्या है डी एक्स, ठीक है। तो देखिए हम ए तो हमारे पास है, ये भी जीरो से ए है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब जब y की जगह रखेंगे एक बार क्या a और एक बार जीरो, तो जीरो लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि जीरो माइनस में जीरो कोई मतलब ही नहीं है, और ये a है और इधर क्या है डी एक्स है, ठीक। तो अब क्या कर देते हैं हम इस a को भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर जीरो से a एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमको करना है इसका इंटीग्रेशन, तो ये तो ए स्क्वायर है ही है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा इस फॉर्मूले से देखिए, एन की जगह रख देंगे टू, जब एन की जगह टू रखेंगे तो क्या आएगा एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, और लिमिट क्या है जीरो से ए। देखिए जब लिमिट पुट करेंगे इसकी तो ये तो है ए स्क्वायर, जब रखेंगे एक्स इजिकल टू ए तो जाएगा ए क्यूब अपॉन थ्री माइनस, जब जीरो रखेंगे तो जीरो अपॉन थ्री आएगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास ए स्क्वायर ए क्यूब अपॉन थ्री, तो क्या हो गया हमारे पास ए की पावर फाइव अपॉन थ्री हमारा जो है आंसर आ गया। तो इस प्रकार जो इसकी वैल्यू थी वो गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या आ गई, हम इसको लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है हमारी इसकी वो क्या आ गया वन अपॉन थ्री ए की पावर फाइव जो हमारा है आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए और आपको अगर गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करने बोले तो आप इस प्रकार बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।